नमस्कार, न्यूज बीके में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं इस समय बबेरू तहसील क्षेत्र के अवगासी गांव पर हूं। यहां पर अवगासी गांव में भीषण सड़क हादसा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, यहां पर एक ओवरलोड बालू से भरा ट्रक था जो पलट गया है। यहां पर सड़क के किनारे कुछ छोटे छोटे बच्चे ठंडी को लेकर के धूप ले रहे थे, नल में पानी भर रहे थे, तो वहाँ पर वो सब लोग दब गए, जिसमें से 6 से 7 लोगों की दबे होने की आशंका है। 4 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जिसमें 1-2 वर्ष के मासूम बच्चे की मौत हो गई है। यहाँ पर जिले के एवं तहसील के आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया है। यहाँ पर बबेरू उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, बबेरू पुलिस क्षेत्राधिकारी राकेश सिंह यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर क्रेन मशीन और JCB के माध्यम से बालू हटाकर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। न्यूज बीके के लिए बांदा से जितेंद्र श्रीवास। क्षेत्र में अवघासी पुल के पास एक ट्रक जो है वो पलट गया। पलटने का कारण ये था कि वो सड़क जो है वो थोड़ी पतली है, और सामने से एक और ट्रक आ रहा था, उसको बचाने के चक्कर में ये इसने साइड में काटा और बगल में वहाँ गड्ढा था, जिसकी वजह से ये इसका संतुलन गड़बड़ हो गया और ये वहीं पलट गया। वहाँ नल से पानी ले रहे थे कुछ लोग, जो इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। उसमें से एक बच्चा जो है वो लगभग 2.5 से 3 साल की उम्र है, जिसकी मृत्यु हो गई। बाकी 5 लोग और हैं जिनका उपचार जिला अस्पताल में कराया जा रहा है, वहाँ उनकी स्थिति सामान्य है। मौके पर सभी अधिकारीगण मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। कानून व्यवस्था की कोई स्थिति नहीं है, सभी ट्रैफिक जो है सुचारू रूप से चल रहा है। आज सुबह लगभग 9:20 पर बबेरू की ओर से एक 22 चक्का बालू से लदा हुआ ट्रक तेज़ी से गांव से गुजर रहा था। वहीं घाट जहां से पुल स्टार्ट होता है लगभग वहां पर उसकी क्रॉसिंग हुई। क्योंकि अप्रोच मार्ग नहीं बना था, इसलिए एक पहिया नीचे जाने के कारण डिसबैलेंस हो गया और डिसबैलेंस होकर वो पलट गया, जिसमें बालू के नीचे 6 लोग आ गए और 5 लोगों को तो गांव वालों ने तत्काल रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया, लेकिन एक बच्चा बहुत देर तक दबा रहा। जब पुलिस टीम आई, अन्य लोग आए, उसको ले गए, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई।